क्या ट्रस्ट के सदर हमारे उवैस आलम उवैस साहब और उमर उवैस साहब और ये सेक्रेटरी जावेद आलम साहब और उनकी पूरी टीम जो मिल कर करके आज ये सोच कि एक हम लोग कोविड सेफ होम हम लोग खोले, इसकी अशद ज़रूरत है, ख़ास करके मुस्लिम महलों में जहाँ पर आप देखते हैं घर में कितना कंजेशन है। तो कोविड एक आदमी को होने से फिर भी दूसरा आदमी भी मुतासिर हो सकता है, लिहाजा एक नेक काम के साथ हम लोग हैं। हम लोग उनको पूरी पूरी मुबारकबाद देते हैं और आगे जा कर के इसमें मज़ीद वो काम कर सकते हैं, इसलिए हम लोग पूरा ताबून हैं। और कहाँ का प्रोग्राम कर रहे हैं? प्रोग्राम देखिए, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन सुनने में जैसे आया बेलगछिया में और तोपसिया में भी इसको शुरू किया गया, ऐसे छोटे छोटे मेरे ख्याल से आगे आने वाले टाइम में और भी ऐसा सेंटर खोला जाए। इस्लामिया अस्पताल के दर पर जो आएगा सबसे कम है। इस तरह का सेफ होम कहाँ बन रहा है, आसपास के लोग उसकी मुखालफत करते, वो कहते हैं कि इससे कोविड फैल जाएगा। मेरे ख्याल से उन लोगों को गलत फहमी है, क्योंकि कोविड का आज का जो प्रोटोकॉल है कि अगर आप दो चार चीज़ अगर अपना लें तो किसी को चाहे उसके घर में क्यों नहीं कोविड पेशेंट हो उसको नहीं होगा। एक है जैसे वैक्सीन अगर ले लें सबसे अच्छा, और मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें, एक सोशल डिस्टेंस अगर मुमकिन हो तो मेंटेन करें। अगर ये सब अगर करिएगा तो अगर आपके घर में भी कोई कोविड पेशेंट है तो आमतौर से जल्दी नहीं होता है कोविड, लेकिन ये महामारी है, दुनिया भर में ये वबा फैली हुई है, हम लोग जितना इससे बच कर रहे हैं उतना अच्छा है। खिदमत जहाँ तक है कहीं ना कहीं तो करना ही होगा, किसी ना किसी इलाके में तो करना ही होगा। तो अब जहाँ पर ये जैसे देख सकते हैं कि एक आइसोलेटेड है, तो ऐसी जगह को चुन के अगर करें तो ज़्यादा अच्छा। सर, अभी कुछ दिनों से काफ़ी सारे अदारे जो है अभी ये काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपने मगरबी बंगाल के तमाम जो युवा लोग अभी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद में लगे कि ये वबा को जल्द से जल्द ख़त्म कर दी जाए, महामारी का वक्त ख़त्म, इस बारे में क्या करना चाहिए? मैं उनको वेलकम करूँगा, खैर मकदम करूँगा, उनको बोलूँगा कि अभिनंदन, आप आगे आइए, काम कीजिए जितना हो सके, क्योंकि युवा ही जो काम करते हैं देश में जा कर करके उससे तरक्की होती है, उससे अमन चैन शांति फैलती है। और आज जो ह्यूमन ट्रस्ट के जानिब से ये जो काम को जो अंजाम दिया गया था, इस बारे में मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनसे मैंने कहा भी है, उनके प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ पर ओएस साहब और हम जनरल सेक्रेटरी जावेद साहब, कि जो भी इसमें ज़रूरत होगी हमारे MLA, हमारे काउंसिलर, मैं और भी जितने लोग हैं, जो भी उनसे हम लोग से हो सकेगा, उनको जहाँ जहाँ रुकावट आएगी उसमें ज़रूर हम लोग मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक ये देख सकते हैं, जिस तरीके से अभी MP नदीमुल हक साहब ने भी जो काफ़ी सारे बातों पर रोशनी डाली है, अभी जो मैं उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करूँगी। सेफ होम और आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर जस्ट आप लोग के हाथ से शुरू हुआ है, क्या? देखिए, बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पे कि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में मुसलमानों का जो ऑल ओवर इंडिया कैरेक्टर रहा वो बहुत ही पॉजिटिव रहा और बहुत काबिल मुबारकबाद रहा। अगर किसी को दिन के वक्त में सूरज की रोशनी नज़र नहीं आती है तो ऐसे अंधों की वजह से सूरज शर्माया नहीं करता। मुसलमानों ने जिस दिल खोल कर साथ दिया पेंडेमिक में, जब ये देश में लोग थाली बजा रहे थे तो मुसलमान भूखों के सामने थाली सजा रहे थे, इसी तरह से मुसलमानों ने लाशों को, जिनके चिताओं को, जिनके अर्थी को साथ देने वाले उनके अपने रिलेटिवों ने इनकार कर दिया, उसे मुसलमानों ने साथ दिया, मुसलमान उस चिता को उठाया और अर्थी तक लेकर गया। मैं आशा करता हूं कि हमारे देश भारत में निराशा के अंधकार से आशा की एक ऐसी किरण निकल रही है कि कष्ट में, तकलीफ में, दुख में आपके बगल में जो अगला इंसान खड़ा होगा वो भारत का मुसलमान होगा। ह्यूमन केयर ट्रस्ट कई फील्ड में काम कर रही है, क्या? देखिए, ह्यूमन केयर ट्रस्ट हैं और सारे लोग हैं ये रिलीफ बांटने में, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में, मरीजों को बेड दिलवाने में, इन्होंने इतने चंद दिनों के अंदर अपना एक एग्जाम्पल, अपना एक मिसाल और अपनी पोजीशन बनाई है कि हमें खुशी होती है कि हमारे गली गली में हमारे नौजवान मुसलमान लड़के जो कैरम बोर्ड खेलकर क्लब में TV देखकर अपना वक्त ज़ाय करते थे, अब वो अपना अपने समय को नष्ट न करते हुए वो मानवता की सेवा के लिए खुद को समर्पित करेंगे और ह्यूमन केयर ट्रस्ट की तरह और बहुत सारे ट्रस्ट बनाकर वो इंसानियत की खिदमत करेंगे। मैं कलकत्ते में इस्लाम
इस्लामिया अस्पताल के शानदार इस्लामिया अस्पताल के इफ्तिताह, उसके इनॉग्रेशन और 100 कोविड बेड के खुलने पर मैं उनके जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस्लामिया अस्पताल भी इस कलकत्ते में तमाम इंसानों की खिदमत के लिए हाजिर है और हम सब इंशाल्लाह खिदमत करेंगे, सब मिलकर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट ईयर मौलाना साहब और उनकी जमात को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, इस बार क्या लगता है कैसा दिखा? जो काम उन्होंने किया क्या वही काम हम भी करें? उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, हम क्यों इल्ज़ाम लगाएंगे? ऐसे लोग जो इल्ज़ाम लगा देंगे उनसे आप क्या मतलब? नहीं, वो तो जाहिर सी बात है कि जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं हम उनसे कहेंगे कि आपको जहाँ से भी गुमराह किया गया है आप अपने आप को ठीक कर लीजिए। इल्ज़ाम लगाने वाले आज है कल नहीं रहेंगे, देश आज है देश कल भी रहेगा और हम सबको मिलकर रहना है। एक घर में नफ़रत का माहौल बनाकर आप सांस कहाँ तक ले पाएंगे? इसलिए बेहतर है कि मोहब्बत का माहौल बनाया जाए। मौलाना साद और तबलीगी जमात न कल जिम्मेदार थे न आज जिम्मेदार है, देश को मालूम हो गया। लेकिन हाँ, कुछ मीडिया वालों ने जो कहा करते थे पूछता है भारत, अफसोस है कि आज उन पर थूकता है भारत।